मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी उत्कर्ष परिवार पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है जिसका एक अप्रोच, बेसिक अप्रोच की बात करते हैं कि बेसिक अप्रोच ये दिया गया है जो मैंने यहाँ पर पहले से रिटर्न कर रखा है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या बोला है कि एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी में आपने कहा कि डी ई एफ द पॉइंट्स हैं। क्या है भैया? डी ई एफ क्या है? बिंदु है। और इनका रेशियो दे रखा है कि भैया ए एफ और एफ बी का रेशियो 1:2 दे रखा है, बी डी और डी सी का रेशियो दोस्तों 2:1 दे रखा है, ए ई और ई सी का रेशियो 1:3 दे रखा है। अब प्रश्न आपसे ये पूछा है ना दोस्त, अब पेपर में आप देखिएगा कि अक्सर आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न अक्सर मिल जाएगा कि भैया आपसे ये पूछेगा कि जो बीच वाला एरिया है ना भाइयों, ये आपसे बोलेगा कि जो बीच वाले का एरिया पूछ लेगा और पूरे का एरिया दे देगा। जैसे यहां पर दिया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और आपसे डीईएफ का क्षेत्रफल दे रखा है, पूछा है भाई। तो आपने कहा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको ये बीच वाला मतलब डीईएफ का एरिया पूछा गया है, तो आप कैसे करोगे? आपने कहा देखो, सबसे पहला अप्रोच यही होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम एक चीज अप्रोच जानते हैं, वह अप्रोच का नाम क्या है भैया? देखिए, एक बेसिक सा अप्रोच है कि अगर आपका एक ट्रायंगल दिया जाए, ट्रायंगल बोला जाए, आपसे बोला जाए ए बी सी दिया जाए, क्या दिया जाए? ए बी सी दिया जाए, और इस एंगल से अल्फा कनेक्ट है, मान लीजिए अल्फा कनेक्ट है या एंगल ए ही कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है? ए कनेक्ट है, और आपने कहा गुरुजी इससे आपने बी कनेक्ट कर रखा है, इससे आपने सी कनेक्ट रखा है, तो इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आएगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ में आएगा। क्या आएगा दोस्तों? हाफ में आएगा। एंगल ए से कनेक्ट है सी और बी, तो आप लिखेंगे बी इंटू सी, एंगल ए से जो भी कनेक्ट होगा उनका गुणनफल करेंगे, बी कनेक्ट है सी कनेक्ट है तो हाफ में बी इंटू सी, और एंगल साइन ए, क्या लिखेंगे? एंगल साइन ए लिखेंगे। तो आपने लिखा कि एंगल ए से बी कनेक्ट है और सी कनेक्ट है, तो आप लिखेंगे हाफ में बी इंटू सी इंटू साइन ए आएगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? अगर ये बात क्लियर है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्या करना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक बार आप ऊपर वाले का एरिया निकाल लीजिए, किसका? ए एफ ई का एरिया, और टोटल का एरिया निकाल लीजिए, और जब फिर उसके बाद आपने बीच वाले का एरिया निकाला, फिर आपने टोटल का एरिया, फिर आपने इस वाले का एरिया निकाला, और फिर टोटल का एरिया निकाल लिया, और तीनों एरिया को बराबर करते हैं। कैसे? आपने कहा चलिए शुरुआत करते हैं, अगर एंगल ए की बात करें तो ए एफ ई का एरिया और ए बी सी का एरिया निकालना है, तो ए एफ ई का एरिया क्या आएगा? आपने कहा ए एफ ई वाले ट्रायंगल में आपने कहा भैया एंगल ए से वन कनेक्ट है और वन कनेक्ट है, तो हाफ में वन इंटू वन और एंगल साइन ए आ गया। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? क्या ये बात क्लियर है? आपने कहा कि भैया इस एंगल ए से बड़े वाले में, ए बी सी में, देखिए ध्यान से, ए बी सी में एंगल ए से कनेक्ट है तीन, क्या कनेक्ट है दोस्तों? तीन, फिर क्या कनेक्ट है? चार, तो आपने कहा गुरुजी यहाँ तीन आ गया, यहाँ चार आ गया, तो हाफ में 3:4 और हाफ में 3:4 और साइन ए आ गया, हाफ से हाफ कट गया, 1:12 आ गया, तो 1/12 आ गया। तो पहला रेशियो जिसका नाम हो गया भैया, पहला रेशियो जिसको हम बोलेंगे भैया 1/12 का है, किसका है भैया? 1/12 का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, पहला रेशियो आपका क्या आया? 1/12 का आया। चलिए दूसरा रेशियो की बात करेंगे, सेम इसी तरीके अगर आप दूसरे रेशियो की बात करें तो आप कहेंगे बी डी एफ, मतलब ये वाला रेशियो और टोटल का रेशियो। एक बार हमने कहा बी डी एफ का रेशियो और टोटल ए बी सी का रेशियो, तो आपने कहा बी डी एफ में ट्रायंगल में ये एंगल बी है, क्या एंगल है? आपने कहा एंगल बी है, एंगल बी से कनेक्ट है दो और एक कनेक्ट है दो, तो आप लिखेंगे हाफ में 2:2 और एंगल साइन बी। क्या ये बात क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने कहा भैया एंगल बी से कनेक्ट क्या है? पूरे वाले में देखना, पूरे बड़े वाले में देखना, एबीसी में देखना, एंगल बी से कनेक्ट है तीन और यहां कनेक्ट है तीन, तो हाफ में 3:3 साइन बी आ गया। क्या ये कट गया? आपने कहा ये 4/9 आ गया। क्या आ गया भैया? 4/9 आ गया। अब आपने कहा सेम इसी तरीके हम सी डी ई की बात करें, सी डी ई की बात करें तो यहाँ तो ये चार है और यहाँ भैया पूरा चार तीन है, यहाँ तीन है यहाँ एक है, तो एंगल सी से क्या कनेक्ट है? आपने कहा यहाँ तीन है यहाँ एक है, तो हाफ में 3:1 साइन सी आ गया, और पूरे में क्या लिख दिया? हाफ में 4:3 साइन सी, हाफ से हाफ कट गया, 1/4 रिजल्ट आ गया। चलिए आपने कहा अब इस चीज़ को बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? आपने कहा गुरुजी सारी वैल्यू हमने लिख रखी है यहाँ पे, तो बैलेंस कैसे करना? बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा 12 और 9 और 4 का एलसीएम लिया तो जो कि 36 आया, तो आपने 36 बनाना। हमने कहा भैया सबको 36 बनाओ, क्यों 36 बनाओ? क्योंकि यहाँ ए बी सी 12 है, यहाँ ए बी सी 9 है और यहाँ ए बी सी
चार है, तो 36 बनाने के लिए आपने कहा गुरुजी सिंपल सी बात है, यहाँ 36 बनाना है तो 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे, यहाँ 36 बनाना है तो 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे, यहाँ 36 बनाना है तो 9 से ऊपर गुणा 9 से नीचे, तो ये आ गया। आपने कहा गुरुजी ध्यान से देखिए, अभी बहुत लंबा प्रश्न है पेपर में, ये पेपर में अक्सर आता है और आप जानते हैं कि जब पेपर में आता है तो ये बहुत टाइम टेक करता है। आपने कहा गुरुजी इसकी वैल्यू कितनी है, 16 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि ऊपर वाले की वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यू 16 आ गई और ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब टोटल जरा बताओ, टोटल एबीसी कितना आ गया, आपने कहा एबीसी की बात करेंगे गुरुजी, 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा, टोटल 36 आ गया और 36 में 16 3 16 3 19 19 9 28 28 घटा देंगे तो बचेगा कितना, अंदर 20 में बचेगा दोस्त, 8 बचेगा। तो आपसे यही पूछा है भैया कि भैया 8 की वैल्यू क्या होगी, अगर टोटल की वैल्यू आपकी पता हो गई कि टोटल की वैल्यू हमारी कितनी आई, आपने कहा टोटल की वैल्यू हमारी है, टोटल अगर हम एबीसी की बात करें तो हमारा एबीसी का टोटल आया है कितना, 36 यूनिट आया है, कितना यूनिट आया है, 36 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में 36 की जगह क्वेश्चन में 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब 36 की वैल्यू दोस्तों, 36 की वैल्यू क्या है, 1800 है, अगर 36 की वैल्यू 1800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 50 आएगा, और 8 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 400 सेंटीमीटर, तो यही आपका प्रश्न का सही जवाब है। अब आप सोचिए पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा, हम लोगों ने बहुत देखिए 5 मिनट लग गए हम लोगों को सॉल्व करने में, और अक्सर आप जानते हैं कि विद इन टाइम के अंदर हमें, टाइम बाउंडेशन के अंदर हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है, यही सीजीएल का खेला होता है। चलिए अब मैं इसी प्रश्न को दोस्तों, मैं इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जो स्मार्ट अप्रोच होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, क्या करूंगा भैया आपको सिखाऊंगा, जैसे आपने कहा कि भैया बस एक बार आप फटाक से आप ट्रायंगल बनाएंगे, आपने बना दिया ट्रायंगल, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आपने कहा गुरुजी ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। अगर ऐसा है और आपने कहा सारी रेशियो एक बार देख लीजिए, रेशियो क्या दे रखा है, आपने कहा 1 2 2 1 1 3 1, आपने कहा 1 2 2 1 और 3 1 दिया है, और आपसे कभी पूछा दिया जाए, आपसे पूरा दिया जाए, तो आपको करना क्या है, तो आपका स्मार्ट वे क्या लिखेंगे भाइयों, स्मार्ट वे जो कि हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, जो आप आज तक कभी किसी YouTube चैनल पर नहीं बताया गया है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ आपको बेहतरीन तरीका, इस एंगल ए से क्या कनेक्ट है, आपने कहा 1 कनेक्ट है और 1 कनेक्ट है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपने कहा कि इस एंगल ए से 1 कनेक्ट है और 1 कनेक्ट है, तो 1 × 1 करेंगे। इस एंगल के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा देखिए, इस एंगल के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा, ये पूरी लेंथ दिख रही है, कितनी दिख रही है, पूरी लेंथ 3 आ रही है, तो 3 का गुणा करेंगे, तो आपका क्या आ गया, आपने कहा गुरुजी 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। आपने कहा गुरुजी एंगल बी से क्या कनेक्ट है, आपने कहा एंगल बी से हमारा दोस्तों ये कनेक्ट है कि 2 कनेक्ट है और 2 कनेक्ट है, इस छोटे वाले में आपने कहा 2 कनेक्ट है और 2 कनेक्ट है, तो 2 × 2 कर दिया। एंगल बी के सामने वाली भुजा कितनी है, 4 है, तो 4 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 2 × 2 = 4 4 + 4 = 16 आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा, तो इसको मैं बराबर कर लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ। आपने कहा इस एंगल सी से क्या कनेक्ट है, आपने कहा गुरुजी ये 3 कनेक्ट है, ये 1 कनेक्ट है, तो 3 × 1 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 × 1 लिख दिया। और इस एंगल सी के सामने वाली भुजा कितनी है, आपने कहा 3 है, तो 3 से अलग से गुणा कर दिया, तो 3 × 3 = 9। अब देखिए ऊपर 3, यहाँ 16, यहाँ कितना आ गया 9। अगर हमें टोटल एबीसी चाहिए, टोटल एबीसी चाहिए, अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, तो एबीसी की पहली भुजा आपने कहा 3, पहली भुजा कितनी, 3, दूसरी भुजा आपने कहा 2 1 3 हो गया, हमने कहा तीसरी भुजा 1 और 3 जोड़ लो कितना आ गया, 4 आ गया, तो 3 × 9 = 36 आ गया, कितना आ गया, 36 आ गया, तो 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आपने कहा 36 की वैल्यू आप देखेंगे भाइयों, 36 की वैल्यू टोटल है, 36 की वैल्यू क्या है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, और आपने कहा कि टोटल 36 है जिसमें से 16 9 25 3 28 आ चुका है, तो बीच वाला कितने का होगा, आपने कहा 8 का होगा, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्मार्टेस्ट अप्रोच है, बिल्कुल हम लोगों ने क्या किया है भाइयों, बिल्कुल हम लोगों ने इसका बिल्कुल बैलेंस नहीं किया है, और इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने विद इन समय जो है हम लोगों ने इसको सॉल्व किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन लेके आए, इन्फॉर्मेशन बहुत प्यारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या कहता है जरा उसके बारे में हम समझते हैं। उत्कर्ष क्लासेस का पहला मैथ्स स्पेशल बैच जो कि प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहा है, मंडे टू सैटरडे होगा, 18 दिसंबर 12:10 से 1:10, ठीक है भाइयों, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा भाइयों एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आशुतोष तिवारी एडवांस मैथ का पूरा डिस्कशन करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों वो जरा देखिए,
तो पहले सबसे पहले एक जैसे भी कभी भी कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मोटिवेशनल लाइन जिसे बोलते हैं, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने जाएंगे इस टॉपिक में। तो हमने देखा भैया पहला टॉपिक हमारा रहेगा अलजेब्रा, फिर हमारा दूसरा टॉपिक भाइयों ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि ये क्रम चेंज होता रहेगा, हम अपने हिसाब से जो है ना दोस्तों इसको बैलेंस कर लेंगे, जिससे जो ऑडियंस की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन सातों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने कहा लेकिन बाकी हम लोग क्रम से ही पढ़ेंगे वैसे, तो आपने कहा चलिए, आपने कहा भैया अगला पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अक्सर मेंस में आ जाता है एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत, अब तो पेपर 30 के हो गए हैं तो भैया आपका जो क्वेश्चन के सेक्शन जो होगा वो मैक्सिमम 1 बनेगा इस पे। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं भैया कि अब मैं बेसिक बातों का अध्ययन करूं कि अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में देखो प्रीलिम्स बहुत क्वालिफाइंग होता है, तो क्वालिफाइंग है बहुत बड़ा मैटर रोल प्ले नहीं करता, हालांकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट करेगा। तो आपने कहा देखिए भैया मेंस की बात करेंगे, क्योंकि देखिए आप जब सीजीएल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम्स की कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, क्योंकि हम टारगेट जो करेंगे वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो के साथ आपको हीरो बनाएंगे दोस्तों। मतलब कहने का मतलब कि भैया एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और अप टू जो मेंस लेवल तक हो सकता है वो सारे का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताते हैं सीजीएल की कि भैया देखिए यहां पर क्या आएगा, अलजेब्रा आएगा। तो अलजेब्रा में देखो अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है, कभी मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा आएगा 2 क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ये भी 2 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है। मेंस्ट्रुएशन की बात करें अक्सर 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, और आप ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 1 क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1, इसके ये दोनों मिक्स करके 2 क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 क्वेश्चन इसका 1 क्वेश्चन इसका मान लो। और आपने कहा भैया ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो दोस्तों मेरे भाइयों ज्योमेट्री आप जानते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो रोल बड़े इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, एक तो मेंस्ट्रुएशन प्ले करता है, एक क्या करता है ज्योमेट्री। बाकी ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन अलजेब्रा ये सब रहते हैं, ये सारी चीजें हम कहां डिस्कस करेंगे भाइयों, क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम टॉपिक वाइज होगा। अब आप सोचेंगे इस बैच के क्या क्या फीचर्स होंगे, अगला सवाल आपके मन में आएगा कि इस बैच के क्या क्या फीचर्स होगा। तो फीचर्स इस बैच के बहुत प्यारे फीचर्स हैं भाई। पहला कि ये बैच केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब जीरो वेस्टिंग टाइम होगा आपका, मतलब कि आपको वैसे सीट डिजाइन की गई है एकदम टाइप वाइज सीट, जो लेवल वाइज सीट होता है कि पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर उससे हल्का और टफ, फिर उससे और टफ, ठीक है, जो पेपर में लेवल आता है, और बिल्कुल वो लेवल रहेगा जो पेपर में आता है। ये नहीं कि इन रिलेवेंसी के साथ हम पढ़ेंगे, नहीं, कोई कंटेंट में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए दूसरे पॉइंट आप जान रहे हैं भैया कॉन्सेप्ट की वो एकदम क्लैरिटी रहेगी कि भैया कोई चीज़ पहले बेसिक्स कैसे आया, फिर उसका क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकता है कि हम लोग कैसे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी तरीके हम देखेंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा कि भाई आप क्लास नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं, कोई एकाक दिन ऐसा हो जाता है जब बहुत जरूरी काम आया था और क्लास नहीं कर पाते, तो आप लाइव क्लासेस का फीचर भी दिया गया है, आप उसको अटेंड कर पाएंगे दोस्तों। फिर आप देखेंगे भैया पैनल और पीडीएफ आपको मिलेगा, मतलब क्लास खत्म होते ही जस्ट आपको इमेजिन भी नहीं करेंगे, आप घर पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले आपके पास क्या रहेगा, तुरंत पैनल और पीडीएफ आपके पास मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, मैं आपको 10 मॉक पेपर दूंगा एडवांस मैथ्स का, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि मेरे द्वारा सेल्फ डिजाइंड होंगे, जो कि बेसिक आपका नेचर होना चाहिए, आपको पूरा प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस होगा उसके हिसाब से 10 मॉक पेपर मैं ऐसे कराऊंगा, जो आपका जितना सोल्यूशन भी मैं ही दूंगा आपको, जो आपको क्लास के अंदर, क्लास खत्म होने के बाद, टॉपिक खत्म होने के बाद, पूरा सारे टॉपिक के बाद हम 10 मॉक का कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, पेपर में कैसे आया, कैसे लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो एक रिविजन की तरह इस्तेमाल होगी आपका। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्रत्येक, अब अगला सवाल आपके मन में रहेगा कि भैया क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, 200 क्वेश्चन मिनिमम, 200 क्वेश्चन मतलब हम लोग हर चैप्टर से ही पढ़ेंगे, एवरी चैप्टर कंसिस्ट एटलीस्ट 200 क्वेश्चन दोस्तों, 200 चैप्टर 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर आप देखेंगे भैया टाइप वाइज सीट होगी आपकी, सीट विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो है ना वो सेट दी जाएगी, पहले तो हम सीट देंगे जिसमें 200 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम 100-150 क्वेश्चन का जो है अप्रॉक्स आपको प्रैक्टिस का सीट देंगे, जो आपका 200 क्वेश्चन आपने जो किया है उसी के बेस पे रहेगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो 2018 लेके 2023 के मेंस से लेके प्रीलिम्स से लेके इन सब के प्रश्न होंगे, और भी एग्जाम जैसे सीपीयू हुए, सीएसएसएल हैं, इन सारे एग्जाम के जो अच्छे प्रश्न आए हैं उनकी सीरीज को देंगे। ठीक है दोस्तों,
आपका जो सिलेबस होगा ना भाई वो एकदम अपडेटेड होगा, मतलब जो पेपर डिमांड करती बिल्कुल वही, मतलब कहने का मतलब कि ये PYQ जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे 2023 तक के होंगे। मतलब आप 2018 से TCS ने उठाया है प्रश्न सीरीज बनाना और मैं 2018 से शुरू करूंगा और 2023 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ जो है आपको सीट्स दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप देखिए टोटल आवर्स की बात करेंगे, अक्सर सवाल आपका आता है कि भैया कितने घंटे में आप सर खत्म करेंगे, तो घंटे की बात करें तो 140 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है 140 के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाइयों इसको फिनिश करेंगे। तो आप ये चीज़ें हम आप क्या करेंगे भाइयों, ये फीचर्स हैं बैच के, ये जो चीज़ें आपको मतलब मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी और अर्थमेटिक में सर हमारे धनंजय सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा यही अप्रोच उनका भी रहेगा। तो आपको मैं एकदम बेसिक सा बता दूं कि टीचर का एक बार इंट्रोडक्शन कर दूं, आप जानते हैं दोस्तों कि अर्थमेटिक पढ़ाएंगे भैया माननीय धनंजय सर, बहुत लीजेंड आदमी है भाई, लीजेंड आदमी है, एकदम मस्त पढ़ाते हैं भाई, आप देखेंगे मज़ा ही आ जाएगा। बाकी आप मेरे के बारे में जानते ही है, मेरा नाम आशुतोष है, बाकी GS सर इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं। तो अब रही बात अब फी की बात करेंगे, फ़ी क्या है तो आप कहेंगे भैया फ़ी की बात करेंगे तो इंग्लिश का जो बैच है ना वो 5000 रुपये का है, कितने का है भैया 5000 रुपये का है। मैथ्स की बैच जो है वो भी 5000 का है, लेकिन जो बच्चा इन दोनों को लेता है एक साथ, जो बच्चा ध्यान से सुनिएगा अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा इन दोनों को लेता है तो वो उसकी फ़ीस जो होगी मात्र 7000 होगी और ये बैच आप आराम से भैया 5-6 महीने में जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक बार टाइमिंग आपको बता दें, टाइमिंग स्टार्ट होगी 11 बजे से, ये बैच का जो टाइमिंग स्टार्ट होने जा रहा है भैया, ये जो बैच का नाम है रामानुजन बैच है और रामानुजन बैच का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से स्टार्ट होगी और 18 दिसंबर से, कहाँ से भैया 18 दिसंबर से। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ना ना भूलें, बस आपसे उम्मीद करते हैं कि भैया आप हमसे जुड़ना ना भूलें, धन्यवाद।